Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण चारों तबाही मची हुई है। भूस्खलन से अब तक मरने वालों की संख्या 413 तक पहुंच गई है। अभी भी 152 लोग लापता हैं और उनकी तलाश 10वें दिन भी जारी है। वहीं अधिकारियों की टीम के नेतृत्व में रक्षा और अन्य एजेंसियों के 1000 से ज्यादा लोगों ने सुबह सुबह तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों की तरह कुछ टीमें वायनाड के चलियार नदी और मालापुरम जिले से गुजरने वाले इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं। अभियान के दौरान कुल 78 शव और 150 से ज्यादा शवों के अंग बरामद किए गए हैं। नदी से बरामद किए जा रहे शवों और उनके अंगों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया ये है कि उन्हें पहले डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाता है और फिर लोगों की पहचान के लिए रखा जाता है। बाद में इन शवों और शरीर के अंगों को हैरिसन मलयालम बागानों से ली गई जमीन में दफना दिया गया, जिसे अब कब्रिस्तान में बदल दिया गया है। अब हर कब्र के सामने एक नंबर लिखा होता है और जब डीएनए रिपोर्ट आएगी, अगर वो परिवार से मेल खाती है तो वो जान सकेंगे कि ये उनके रिश्तेदार थे। प्रभावित इलाकों में 100 से ज्यादा राहत शिविर हैं, जहां 10,800 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। वो दूसरे स्थानों पर जाने का इंतजार कर रहे हैं।